पहले ही दिन 82 उड़ानें रद्द, पूरे इतिहास के साथ आज से घरेलू विमान सेवा शुरुआत हुई। 2 माह के लंबे लॉकडाउन के बाद सोमवार से देश भर में घरेलू विमान सेवा शुरुआत हो गई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज कुल 283 उड़ानों का संचालन किया जाना था, जिसमें से 118 आने वाली, वहीं 125 यहाँ से जाने वाली उड़ानें थीं। इन उड़ानों में से मुंबई, कोलकाता आदि 82 उड़ानें रद्द कर दी गई। इस बात को लेकर यात्रियों के बीच में काफ़ी गुस्सा देखा गया। इन्हें शिकायत की कि बिना किसी पूर्व सूचना के एयरलाइनों ने फ्लाइटें रद्द कर दी। इस बात के क्रम में राज्य सरकार ने क्वारंटाइन के मुद्दे पर सहमति न बन पाने के कारण बंगाल और आंध्र प्रदेश की उड़ानें रद्द कर। आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले ही सभी एयरपोर्ट के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी कर दिया था, ताकि सावधानियां और नियमों के साथ सख्ती से पालन हो सके। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि सलाह दी गई थी कि नावल कोरोना के लक्षण होने वाले किसी भी यात्री को एयरपोर्ट पर एंट्री न दी जाएगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल से 3 देश से विभिन्न जगहों के लिए अलग अलग एयरलाइंस, अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। साथ ही वहीं यात्रियों के लिए फूड स्टॉल भी खुले हैं। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से तक अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, मुंबई से 7 विमानों की लैंडिंग दिल्ली एयरपोर्ट पर हो चुकी थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले सभी एयरपोर्ट की SOP जारी किया था, जिसमें तहत कुछ सावधानियां नियमित सख्ती से पालन करने का किया गया था। SOP के अनुसार एयरपोर्ट पर हर तरह की तैयारी पहले आगाह कर दिया था। इसमें कहा गया था कि यात्रियों को बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी, शारीरिक दूरी का पालन हो सके इसके लिए यात्रियों के बीच कुर्सी रखी गई, जिस पर उचित तरीके से मार्कर टेप ये लगाया गया। तमाम यात्रियों को उनके फ़ोन पर अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु एप्लीकेशन और इसके अलावा चेक इन काउंटर पर ऐसी व्यवस्था की गई कि वहाँ भीड़ न लगे और एयरपोर्ट स्टाफ पर्सनल प्रोटेक्शन किट PPE में फेस मास्क, सैनिटाइजर आदि के साथ सुविधा मुहैया कराई गई। एयर इंडिया के बीच की सीट भी बुकिंग शुरू हो गई है।